बात रायपुर दक्षिण उपचुनाव की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण के लिए भी वोटिंग खत्म हो गई है, यानी वोट डाले जा चुके हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जनता ने कोई खास उत्साह तो नहीं ही दिखाया है। क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? लेकिन जितना भी दिखाया है, अब प्रत्याशियों की उतनी ही किस्मत थी और किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी सदर बाजार के पोलिंग बूथ पर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, तो कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने पंडित सुंदरराज शर्मा स्कूल में वोट डाला है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, सुन लीजिए। अच्छा दिन जाएगा, लोगों का खूब आशीर्वाद मिला है, खूब प्यार मिला है और भाई बहनों का, बृजमोहन अग्रवाल जी, हम सब मिलकर जो है इस दक्षिण विधानसभा में नए विकास के आयाम गढ़ेंगे। तो रायपुर दक्षिण के चुनाव को प्रभावित करते हैं और जनता जो है जहां 40 साल से भाजपा की सरकार विधायक यहां पर है, वहां पर समस्याएं ऐसी है, तो मुझे लगता है वो जनता बदलाव करेगी। क्या माहौल है भी जानना चाहते हैं? अभी कौन क्या कर रहा है, अभी कौन रैली निकाल रहा है, और सुनिए कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और क्यों चिंता की लकीरें हैं, किस पार्टी में हैं, इशारा ही देंगे। मृगेन जी, भेद ज्यादा नहीं खोलना है, नतीजे आए नहीं हैं, आप कई बार जो है बहुत करारा शॉट मार देते हैं, इसलिए बताइए किन किन लोगों से बात हुई है। अंदरूनी इशारे करिएगा, अंदरूनी, कुछ खुलकर मत बताइएगा ताकि आपके पास फोन आए। मृगेन भाई, जो नहीं बताए वो तो बता दो, बताइए। देखिए, अभी रायपुर दक्षिण में 50-51% मतदान की बात आ रही है, हालांकि फाइनल फिगर जो है वो आने में थोड़ा समय लग रहा है। तो पिछले चुनाव में 60% वोटिंग हुई थी, तो कुल मिलाकर 9-10% की वोटिंग कम हुई है, और कम वोटिंग का मायने आमतौर पर लोग निकालते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन जब यहाँ उपचुनाव हो रहा है, केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, ऐसे में ये मानना थोड़ा आश्चर्य वाली बात होगी कि ये सत्ता विरोधी लहर के कारण वोट कम पड़े। जो जिन इलाकों में वोट कम पड़े हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और मजदूर बस्तियां हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि कहाँ जश्न है, तो अभी कुछ देर बाद बृजमोहन अग्रवाल जो वहाँ से विधायक होते थे, अभी सांसद हैं, वो भाजपा के कार्यालय में जाएंगे और वहाँ जश्न होगा, आतिशबाजी होगी। कुल मिलाकर बीजेपी आश्वस्त है कि उनकी जीत हो रही है। वहीं कांग्रेस खेमा भी आकाश शर्मा सभी को धन्यवाद कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, खास तौर पे वो शाम के समय ब्राह्मण पारा और उस इलाके में घूमकर ले रहे थे। तो कुल मिलाकर जो माहौल है वो काफ़ी टफ है, कांटे की टक्कर का है। हाँ, ये माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके अनुशासित वोटर हैं, इस लिहाज से भाजपा को अब माना जा रहा है। जी, माना जा रहा है, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अब अगली खबर की ओर जाना पड़ेगा, फिलहाल आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मृगेन जी।